ये ऐसे जब मैं आता हूँ ना तो ये डंडा आने लगता है, और पीछे मैंने लाइट रखी हुई है जिसकी परछाई जो आ रही है वो डंडे की इधर आ रही है, तो मुझको जो वीडियो है वो ऐसे करके बनानी पड़ेगी, नहीं तो वो डंडा आएगा और आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रही है, दिखे आ रहा है ना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में, और मेरा नाम है संदीप सिंह। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी सरकार के खिलाफ है। खिलाफ क्या है, हमारे एक ऋषि हैं जैन मुनि सुखदेव सागर जी, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले मंगलवार को जयपुर में जैन मंदिर के अंदर में अपने प्राण त्याग दिए। वो 25 दिसंबर 2022 से अनशन पर बैठे हुए थे, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, झारखंड में गिरडीह के पास में एक जैन, गिरडीह में स्थित है एक जैन पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम सम्मेस्य घर है, और वो जैन जैन समाज के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है और तीर्थ स्थल है। लेकिन सरकार ने क्या किया, वहाँ की उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। अब पर्यटन स्थल घोषित कर दिया तो वहाँ पर सब जाएंगे, तीर्थ स्थल रहता है तो वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु जाएंगे, पर्यटन के हिसाब से कोई नहीं जाएगा। जिसको जाना है वो श्रद्धा वाला होगा तभी जाएगा, ऐसे कोई नहीं जाएगा। और पर्यटन स्थल घोषित करने पे जैन समाज जो है बहुत मतलब नाराज है सरकार से, और जो हमारे जैन मुनि थे सुखदेव सागर जी वो अनशन पर थे 25 तारीख से। अनशन के बाद 9 दिन में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इसी को लेके। तो मेरा पॉइंट ये है कि सरकार कभी सोचती क्यों नहीं है, लोगों की भावनाओं को आहत करती है, हम लोगों से ही वोट लेती है, हम लोग ही वोट देते हैं तभी ये आगे बढ़ती है, तभी ये जीतते हैं, तभी ये सत्ता में आते हैं, तभी ये राज करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके बावजूद भी ये हमारे लोगों को मारते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी कभी डायरेक्टली भी मारते हैं और कभी कभी इनडायरेक्टली भी मारते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि सरकार को उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की क्या ज़रूरत है, इतना भी क्या बड़ा पेट लेके घूम रहे हो कि उससे क्या कहते हैं साला सब पेट में भर दो, लोगों की भावनाओं को आहत करके सब पेट में भर दो, क्या मतलब है इस सब का। वो ऋषि थे हमारे जैन मुनि, उनका संस्कार किया गया है, अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि आज 6 तारीख है और ये 2 दिन पहले की बात है। 25 में 5 दिन 6 दिन वो हो गए, वो 3 दिन इधर लगा दो, मतलब 3 या 4 तारीख में उनकी डेथ हुई है। मंगलवार क्या था, मंगलवार को 3 तारीख थी, आज 5 है कल 6 है, तो 3 तारीख को उनकी डेथ हुई है और वो स्वर्ग से धार चुके हैं। ये सरकार की लापरवाही है, सरकार को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जो लोगों को आहत करे। कई बार क्या होता है, सरकार को ऐसे फैसले लेने जरूरी भी होते हैं कि जो लोगों को आहत करे, मतलब लोग आहत हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन उससे समाज का भला हो रहा है तो वो फैसले लेना ज़रूरी भी है। लेकिन एक जगह को पर्यटन स्थल घोषित करके आप कौन सा फ़ायदा कर दोगे समाज का, उसमें जो पैसा आएगा वो क्या, कितना पैसा आएगा और उस पैसे को कहाँ पर लगाओगे आप, उस पैसे को खाओगे। तो अपने पेट के लिए किसी दूसरे का पेट खाली रख के उसको हत्या करवा देना, इनडायरेक्टली हत्या करवा देना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अनशन पे बैठे थे आपकी वजह से। आपको पर्यटन स्थल घोषित करना है तो करो, लेकिन उन लोगों की सहमति के साथ में करो, जैन समाज के साथ में। जो ये हुआ है बड़ा गलत हुआ है, और झारखंड के गिरिडीह में स्थित है वो सम्मेद शिखर, और महात्मा जी की जो डेथ हुई है वो जयपुर में हुई है, क्योंकि अपने मंदिर पे थे, इन्होंने ही अनशन किया था। तो ये एक खबर थी, दुख भरी खबर थी, जिसमें हमारे मुनि मारे गए हैं, जैन मुनि मारे गए हैं सुखदेव सागर जी, और ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को हम लोगों से वोट लेने के बाद में ऐसी लापरवाहियाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसी बदतमीजियाँ नहीं करनी चाहिए। ऊपर बहुत ठंड है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा दिखाता हूं, आप देख सकते हैं, ये देखिए चंदा मामा भी है पीछे निकले हुए, और पूरा मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है एकदम, देख सकते हैं आप। यहां पर आके वीडियो बनाने का जो मज़ा है ना वो थोड़ा सा अलग लेवल का है। मैं आपको और भी दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कितना मस्त मौसम है। मुझे ठंड लग रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो बनाने आ गया। आप इधर देख सकते हैं, ये रोड रही कल ही रही। जैन मुनि सुखदेव सागर जी के साथ में गलत हुआ है, और मैं सरकार के इस फैसले से खिलाफ हूँ। उनको सम्मेद शिखर को
पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए, उसको तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए, जिससे वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु जाएंगे। बस मैं अपनी बात यही रखना चाहता था। तो हम करेंगे अपनी वीडियो को ख़त्म और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय। जय हो, जय हो।